नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में रीट 2019 की भर्ती के बारे में और रीट 2016 और रीट 2018 के जो अब भी खाली पद रह गए हैं क्या उन पर वेटिंग आएगी। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ रीट 2019 भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आज एक न्यूज आ रही है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर कन्फर्म न्यूज़ है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये न्यूज़ आई थी दोस्तों कि दोबारा से लौटेगी करीब 4000 स्कूलों में रौनक। यानी दोस्तों प्रदेश सरकार है वो करीब 4000 स्कूलों को ओपन करने जा रही है, ये कन्फर्म न्यूज़ है। जैसी आचार संहिता हट जाएगी इन पर प्रभावी कार्य किया जाएगा और जल्द इनको ओपन करके इनमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो ये बात कन्फर्म है, 4000 स्कूल है। तो 4 को आप मल्टीप्लाई 5 से मत कीजिए चाहे, क्योंकि 5 टीचर तो रखे नहीं जाते, इतने बच्चे नहीं हैं, 1:25 का रेशियो रहता है। लेकिन फिर भी अपन मान के चलें कि एक स्कूल में 3 या 4 टीचर रखते हैं तो भी 12 से 16 हज़ार की भर्ती रीट की आएगी, 12 से 16 हज़ार तक रीट की भर्ती आएगी। आएगी कब तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन निकालेगी ज़रूर गहलोत सरकार। यूँ मान के चलिए आरटेट या रीट करवाएगी तो ये तो पहले करवा देगी, लेकिन भर्ती ज़रूर होगी। इसके साथ साथ दोस्तों रीट 2016 और 2018 की वेटिंग की चर्चा करें तो दोस्तों इसके बारे में असलम सर ने जानकारी दी है कि 10 जुलाई को इसकी सुनवाई है। सुनवाई किस चीज़ की बताऊँ मैं आपको, सुनवाई इस चीज़ की है कि जो पीछे की भर्तियां हैं उनके पद हैं वो लैप्स ना किए जाएं, आगे की भर्तियों में लैप्स ना किए जाएं, वो यथावत रिक्तियां बनी रहे, नई भर्तियां निकाल दी जाए, तो नई भर्तियों में उन पदों को शामिल नहीं किया जाए, समझ रहे हो आप, कि उन पर वेटिंग निकाली जाए। इस चीज़ का फैसला होना है 10 जुलाई को। यदि उस फैसले में ये कह दिया जाता है कि जो भी नई भर्ती आएगी उसमें पीछे की भर्तियों के पद हैं उनको लैप्स नहीं किए जाएंगे, उनकी रिक्तियों को भरा जाएगा, तो कन्फर्म है वेटिंग जरूर आएगी 2016 की भी और 2018 की भी। और जब तक रीट या आरटेट नहीं होता है 2018 की तो आनी आनी है, कोर्ट के ऑर्डर से ले आएंगे बच्चे। बाकी रीट 2016 वालों के लिए ये सुनवाई 10 तारीख को सुनवाई है, ये महत्वपूर्ण रहेगी 10 जुलाई को। यदि उस सुनवाई में ये कह दिया जाता है कि पीछे की जितनी भर्तियां हैं उनके पदों को नई भर्तियों में नहीं भरा जाए, उनको खाली रखा जाए, उनकी रिक्तियां रखी जाए और वेटिंग निकाली जाए, जैसे पटवारी की वेटिंग 5-6 बार आ गई, ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों इसकी सुनवाई है 10 तारीख को। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।